देखा गया है हमारे पिताजी के बाद, अभी तक तो उसका विकास का हुआ भी नहीं है यहाँ पे। हमारे पिताजी ने क्या नहीं किया शिक्षा के लिए, एकलव्य स्कूल लेके आए, DPS लेके आए, ठीक है आपका आपका ठीक है। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं, चर्चा करेंगे तमाड़ विधानसभा को लेकर के। विधानसभा चुनाव का यानी कि नॉमिनेशन फाइल का 25 तारीख कंप्लीट हो गया है। जिस प्रकार से हम लोग तमाम चीजों को देख रहे हैं, नॉमिनेशन लगभग बहुत ज्यादा किए हैं या तमाड़ विधानसभा में भी, और तमाड़ विधानसभा को लेकर हम लोग चर्चा ये करेंगे कि तमाड़ विधानसभा में विधायक कौन थे, लगभग अभी विकास किस प्रकार हो रहा। तो हम लोग देख रहे हैं कि तमाड़ विधानसभा में यानी कि सबसे पहले तो वो नहीं बोलेंगे यानी कि रमेश सिंह जो मुंडा है वहां का, जिसको यानी कि गोली मारा गया था, वो शहीद हो गए हैं। और जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि तमाड़ में विकास का ये अगर देखा जाए तो तमाड़ में जैसे जिस प्रकार से पहले से है उसी प्रकार से अभी भी है, विकास की कोई गुंजाइश नजर नहीं आता है। काहे कि ये हम नहीं कहते हैं, ये राजकुमार मुंडा कहते हैं, जो यानी कि विकास कुमार मुंडा का भाई है। तो तमाम चीजें यहाँ पे रमेश सिंह मुंडा ने जो विकास करके गया था, अभी तक वो विकास बरकरार है, लेकिन उसको मैं अभी रद्दी पड़ गया है, उसको विकास के यानी कि उसको रेन्यूअल यानी कि क्या बोलेंगे उसको, दोबारा उसको उस पे ये नहीं किया जा रहा है, उस दोबारा जिस प्रकार से उसको करना चाहिए था उस पे, तो वो चीज नहीं हो रहा। तो हम लोग तमाम चीजों को देखते हैं, अब ज्यादा इधर उधर का चर्चा नहीं करेंगे। अगर तमाड़ में अगर मुद्दा अगर देखा जाए तो मुद्दा यानी कि क्या क्या है वहां तमाड़ में, सड़कें बहुत खराब है, वहां के स्थानीय लोगों से पता चल रहा है। तो वहां पे तमाड़ में एक हाथी यानी कि जंगली हाथी का यानी कि गांव में आके प्रवेश करते हैं और वहां के जो भी है दान हो या कृषि है उसको बर्बाद करते हैं, यानी कि हाथी को भी वहां संरक्षित ठीक से नहीं किया जा सका है। और उसके बाद वहां के यानी कि रमेश सिंह मुंडा पूर्व मंत्री थे, जो वहां पे कॉलेज लेके आए थे, वो कॉलेज का स्थिति बहुत खराब है। और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि वहां पे तमाड़ में आप जब भी फोन करेंगे वहां नेटवर्क थोड़ा कम लगता है, यानी कि वहां मोबाइल नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। और वहां पे अड़की में प्रखंड है, जो कि अड़की में प्रखंड होते हुए वहां एक दूर पड़ता है, इसीलिए तमाड़ के लोग चाहते हैं कि वहां बीर बांकी में भी एक प्रखंड बनाना चाहते हैं। ये सारे मुद्दा है। और शिक्षा स्वास्थ्य का तो मुद्दा है, ये है हम लोग देखते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में किस प्रकार से तमाड़ के लोग जूझ रहे हैं, यह तो हम लोग जानते ही है, किसी से छिपा नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये न्यूज ये है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो तमाम वहां पे अभी हम लोग वर्तमान बात करते हैं, वर्तमान वहां पे विकास सिंह यानी कि विकास कुमार मुंडा जो कि विधायक है, JMM के विधायक है, और वहां पे उससे पहले आजसू के विधायक थे, यानी कि आजसू से आए JMM, उससे पहले राजा पीटर विधायक थे, उससे पहले यानी कि रमेश सिंह थे। तो तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभी विकास किस प्रकार से हुआ है, तमाम विकास को यानी मुद्दा क्या चीज है, मुद्दा आप लोगों को हमने बताया है। और मुद्दा बताने के बाद अब लोग आज हम लोग ये बात करते हैं कि तमाड़ में टक्कर किसके साथ साथ है, टक्कर यानी कि आपस में जो ये है वो चीज किसके साथ है। हम लोग सारे चीज को देख रहे हैं कि तमाड़ में यानी कि बहुत सारे 14-15 से ज्यादा यानी कि नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, लेकिन वहां पे बारी कौन पड़ेगा, बारी अगर पड़ेगा तो यहाँ पे सक्रिय कौन दिखता है। हम लोग वहां पे देखते हैं कि अभी विकास कुमार मुंडा जी वर्तमान विधायक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेम साई मुंडा जो पिछले बार भी JBM से चुनाव लड़े थे, और JBM से चुनाव लड़के उन्होंने शुरुआत किया था। आज प्रेम साई मुंडा जी वहां तमाड़ में बहुत ज्यादा उनका नाम है। और हम लोग देखते हैं कि वहां पे गोपाल कृष्ण पातर यानी कि राजा पीटर जी भी मैदान में उतर चुके हैं जदयू के टिकट से, उन्होंने उतर चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अभी यानी कि BJP के साथ गठबंधन में है, और तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि काजुबा यानी कि आप पूरे झारखंड में काजुबा नजर आता है कि वहां पे यानी कि विकास कुमार मुंडा के भाई यानी कि राजकुमार मुंडा भी मैदान में उतर चुके हैं। आप समझ सकते हैं विकास कुमार मुंडा जी के भाई राजकुमार मुंडा यानी कि दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, और विकास कुमार मुंडा जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, और राजा राजकुमार मुंडा कहते हैं कि 10 साल में कुछ विकास नहीं हुआ, ये हम नहीं कहते हैं, ये राजकुमार मुंडा कहते हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो तमाम चीजों को हम लोग नजर देख रहे हैं, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कौन किसका विकास इसमें किया है, कौन क्या कर रहा है, वो
उस एरिया में ने क्या तो नहीं हम क्या फिर हम लोग देखते हैं कि अभी जेवीकेएसएल से जो टाइगर जयराम मातो का जो पार्टी है वहाँ का उसके ये से दयावंती मुंडा भी अपने ये में आ गए हैं। जब से पहले दयावंती मुंडा का नाम उतना ज्यादा नहीं था, जेवीकेएसएल के बदौलत यानी कि जयराम मातो के बदौलत दयावंती मुंडा का नाम आ रहा है। चलो उसका भी नाम ये भी शामिल हो चुके हैं। जयराम मातो अभी झारखंड में बड़े नाम है, उस हिसाब से जयराम दयावंती मुंडा का भी नाम लेना जरूरी है क्योंकि वहां से उनको उतारा गया है। जयराम मातो का मुद्दे अच्छे हैं लेकिन उनके जो प्रत्याशी है उतने कुछ वहां उस क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। जो भी जयराम मातो काम करते हैं जयराम मातो का ही नाम से बाकी प्रत्याशी का नाम हाई कमान में आ रहा है। बाकी जिस प्रकार से हम लोग देवेंद्र मातो जी की अगर बात करते हैं तो वह खुद काम करते हैं और बाकी जितने भी नेता है वह जयराम मातो के नाम से ही पहचाने जाते हैं। तो तमाम हम लोग ये को प्रत्याशी को बात करते हैं तो हम लोग अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक एक प्रत्याशी का हम लोग बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि विकास सिंह मुंडा का अभी बात किया जाए। विकास कुमार मुंडा इस बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विकास कुमार मुंडा पहले आजसू से विधायक रहे हैं, उसके पापा विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उसके पापा ने बहुत कुछ काम करके किया है लेकिन उसके बाद विकास कुमार मुंडा का कुछ ज्यादा कुछ काम नजर नहीं आता है। ये वहां के यानी कि तमाड़ विधानसभा के जनता कह रही है, चीख चीख के कह रही है, उनका साथ में उनका बोलने में उसका राजकुमार मुंडा यानी कि विकास कुमार मुंडा का भाई भी ये नजर आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि विकास कुमार मुंडा का जो विकास है उससे खास कोई ये नहीं है। और जिस प्रकार से वहां यानी कि तमाड़ एक आरक्षित सीट होने के नाते वहां पे आरक्षित सीट तो है और वहां पे आरक्षित सीट होने के वजह से वहां तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि 10 साल में कुछ जनता बोल रहा है कि ज्यादा खास कुछ विकास नहीं हुआ है। तो तमाम सड़कें खराब है, आती का मुद्दा है, कॉलेज का स्थिति खराब है। आज अभी हम लोग नया मुद्दा हम लोग देख रहे हैं कि देवड़ी दिरी जो आदिवासियों का होते हुए भी वहां पे और कोई कब्जा कर रहे हैं, इस प्रकार का मुद्दा है। ये हम लोग कुछ दिन पहले ये झारखंड में पूरा उबाल आया था और दो मुंडा जेल भी गए थे। उस मुद्दे को उठाने के लिए दो मुंडा यानी कि वहां पे वो दोनों मुंडा भी जेल गए हुए थे। आप लोग तमाम चीजों को देखते हैं कि वहां पे ये हुआ। अभी हम लोग वहां पे अगर पार्टी का अगर बात करते हैं तो जिन चार या पांच में जिसमें टक्कर है, पांचों का नाम जिस प्रकार से आ रहा यानी कि गोपाल कृष्ण पात्र यानी कि राजा पीटर जो जदयू से है और विकास कुमार मुंडा ये आपको ये है जेएमएम से है और प्रेम शंकर साई जो है यानी कि भारत आदिवासी पार्टी से है, उसी प्रकार राजकुमार मुंडा यानी कि झारखंड पार्टी से है, उसी प्रकार दयामंती मुंडा यानी कि जेएलकेएम से है, उनके जयराम मातो का पार्टी से है। तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि चारों यानी कि पांचों प्रत्याशी आपस में नाम है और इस मुंडा अगर देखा जाए तो अगर रेस में है, ये पांच प्रत्याशी के नाम पूरा ये में गूंज रहा है लेकिन रेस में तीन है। तीन यानी कि गोपाल कृष्ण पात्र यानी कि पहले विधायक होने के नाते उनका भी वहां रुतबा है। गोपाल कृष्ण जो यानी कि राजा पीटर पहले से नाम है उनका और उनके क्षेत्र में उनका पकड़ भी है, उस हिसाब से राजा पीटर भी दोबारा आ सकते हैं। काहे कि विकास कुमार मुंडा का जो स्थिति को देखते हुए लोग अगर चाहेंगे कि इस बार हम लोग बदलाव लाएंगे तो राजा पीटर को भी पुनः विधायक बना सकते हैं। काहे कि राजा पीटर एक बार विधायक बन चुके हैं इसीलिए दोबारा विधायक बनने में उनको परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कि लोग कर देते हैं कि राजा पीटर यानी कि भी विधायक बन सकते हैं। और दोबारा हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से अभी 10 साल का जो हम लोग देख रहे हैं कार्यकाल को यानी कि आजसू में होने के बाद यानी कि आजसू और जेएमएम में कांटे का टक्कर होता है, फिर भी आजसू से आके जेएमएम में आते हैं विकास कुमार मुंडा जी। विकास कुमार मुंडा जी जेएमएम से जीत जाते हैं और कुछ खास काम नजर नहीं आते और आदिवासी के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। फिर भी अगर हेमंत सोरेन का यानी कि जेएमएम का जिस प्रकार से आदिवासी का ये जो एक टैग लगा हुआ है आदिवासी को यानी कि जेएमएम में जिस प्रकार से जेएमएम बीजेपी में ये खास करके टक्कर रहता है लेकिन टक्कर रहने के बाद भी कभी कभी वो गठबंधन भी करते हैं उसके बाद भी हम लोग जेएमएम को अगर बहुमत देने का अगर बात करेंगे तो यानी कि विकास कुमार मुंडा को भी विधायक दोबारा यानी कि तीन बार बनाया जा सकता है। ये जनता का ये है, अगर जनता चाहेगा तो उसको बदल भी सकते हैं ये, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हो सकता है बन भी सकता है। इसी प्रकार हम लोग जाते अगर हम लोग प्रेम साई मुंडा का अगर बात करते हैं तो प्रेम साई मुंडा जिस प्रकार से अभी तक विधायक नहीं बने हैं, उनका पिताजी उस समय विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे यानी कि उनका पिताजी का नाम था यानी कि छत्रपति साई मुंडा जी। और हम लोग देख रहे हैं कि तमाम चीजों को प्रेम साई मुंडा ने जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग देखे हैं कि
अगर मान लिया अगर प्रेम साई मुंडा अगर तमाड़ के क्षेत्र का उनका उपलब्धि अगर देखा जाए तो सोना खदान में उनका अहम भूमिका था। सोना खदान को यानी कि सोना खदान में कई एकड़ कई जंगल वहां यानी सरकार के यानी कंपनी का अधीन होने वाला था, उसको प्रेम साई मुंडा ने रोका और उनके साथ साथ में कई लोग आंदोलन में ये थे। और उसके पास हम लोग देखते हैं कि बुंडू में 14 एकड़ जमीन प्रेम साई मुंडा के द्वारा यानी कि किसी कंपनी ने उसको लेना चाह रहा था, उसको लेने नहीं दिया, यानी कि प्रेम साई मुंडा का भी उसमें काफी योगदान है। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रेम साई मुंडा का जो हम लोग देख रहे हैं कि बारीगाड़ा में बालूघाट अभी हाल में यानी कि 2-3 महीना होने जा रहा है, वहां पर बालूघाट कोई बाहरी ठेकेदार के द्वारा लिया जा रहा था, तो बाहरी ठेकेदार का विरोध करने के लिए प्रेम साई मुंडा ने खासम खास वहां पे अपना योगदान दिया था और वहां पे गांव वाला लोगों के साथ मिलकर के आज प्रेम साई मुंडा के साथ में ये विरोध हुआ और उस चीज को रोका गया। तो उस चीज के तमाम उस बारीगाड़ा के आसपास के जो बालूघाट का जो ये कर रहे हैं उस गांव के लोग प्रेम साई मुंडा का तारीफ करते थकते नहीं और प्रेम साई मुंडा का नॉमिनेशन फाइल में भी वो लोग कई लोग आए थे हम लोग जानेंगे। और उस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तुंजू में गैर आदमी का सिख के द्वारा जमीन छीना जा रहा था। तुंजू के बगल में आप लोग सड़क के से जाएंगे तो तुंजू के बगल आप जब टाटा से जब रांची जाएंगे तो आपको यानी कि लेफ्ट साइड में पड़ेगा और आपको दिखेगा कि वहां कुछ घर टूटा हुआ है, कुछ बाउंड्री था वो टूटा हुआ है, वो प्रेम साई मुंडा का देन था। यानी कि अगर रांची में देखा जाए तो प्रेम साई मुंडा का अनगिनत आदिवासियों का जमीन बचाते हुए हम लोग देखे हैं। कहा कि आप लोग प्रेम साई मुंडा टाइप कीजिएगा तो आपको विभिन्न प्रकार का वीडियो मिलेगा, हम ज्यादा वीडियो इसमें नहीं देखेंगे दिखाएंगे आप लोगों का, वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, इसीलिए प्रेम साई मुंडा में रांची का जमीन को अनगिनत बचाए हैं, आप सोच नहीं सकते उतना वो किए हैं। तो हम लोग तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं और हम लोग इसके बाद हम लोग ये चीज को मुद्दा आपके क्या है। और जहां तक बात है कि या इस जो देवड़ी के मंदिर में जिस प्रकार से आदिवासियों का यानी कि देवड़ी दीरी उसको कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले वहां पे देवड़ी दीरी को यानी उसी को ही मंदिर बनाया गया, तो वहां पे जिस प्रकार से हम लोग अभी लड़ाई लड़ रहे थे कुछ ही दिन पहले हम लोग देवड़ी दीरी का बात कर रहे थे, वहां पे यानी कि आदिवासियों का अपना स्थल है, अपना सरना स्थल है, अपना देवड़ी दीरी को मानते हुए वहां पे अभी निर्माण किया गया है जो उसको ये करने का बात वहां पे हो रहा है। तमाम न्यूज खबरों का माध्यम से आप लोग देखेंगे तो वहां पे प्रेम साई मुंडा का भी अहम योगदान साथ साथ में और भी अन्य आदिवासी नेताओं का था। तो हम लोग देखते हैं कि वहां प्रेम साई मुंडा सबसे भारी ये देख रहे हैं, लेकिन अगर उस लड़ाई अगर जन जन तक अगर पहुंच चुका है तो निश्चित ही प्रेम साई मुंडा को भी विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर अगर मान लिया जाए कि उस लड़ाई को अगर कन्वर्ट अगर नहीं होता है, आदिवासी अगर सोचते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी ही और प्रेम साई मुंडा का जिस प्रकार से लड़ाई करते हैं वो लड़ाई के माध्यम से अगर अगर एक सोचते हैं अगर आदिवासी बिकेंगे नहीं तो निश्चित ही प्रेम साई मुंडा को भी विधायक बना सकते हैं। तो तमाम चीज हम लोग देख रहे हैं कि और एक है विकास कुमार मुंडा जी का भाई यानी कि राजकुमार मुंडा, वो भी चुनाव मैदान में झारखंड पार्टी के माध्यम से उतरे हैं। उन्होंने भी कहा है कि मेरा पिताजी जिस प्रकार से यानी कि रमेश सिंह मुंडा ने जिस प्रकार से यानी कि तमाड़ का विकास करना चाहते थे, यानी कि कॉलेज लेके आए थे, विभिन्न प्रकार के चीजों को लेके आए थे और स्थापित किए थे, उनको अभी 10 साल में उसको कुछ बरामद भी नहीं किया गया है, इस प्रकार का वो राजकुमार मुंडा जी कहते हैं। तो राजकुमार मुंडा जी भी को भी काफी पहचान है, उसका पिताजी का जितना पहचान है जिस तो हम लोग कह सकते हैं कि उनका राजकुमार मुंडा का भी पहचान है, यानी कि विकास कुमार मुंडा के बदौलत ही भी राजकुमार मुंडा सी और उसका पापा के बदौलत सी से भी उनका पहचान बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि राजकुमार मुंडा जी भी वहां का विधायक बन सकते हैं। राजकुमार मुंडा तभी विधायक बन सकते हैं क्योंकि वहां पे अगर जनता चाहेगा कि उसका पिताजी का अगर ये रूप में अगर काम करेंगे राजकुमार मुंडा तो निश्चित ही राजकुमार मुंडा जी को भी विधायक बनाया जा सकता है। और हम लोग दयावंती मुंडा को देखते हैं कि दयावंती मुंडा का वहां पे खास कुछ ये नहीं है, वो भी बड़े बड़े नेता लोगों के साथ में रह रहे वो भी कुछ सीख रही है और आज जरा मतों का पार्टी में शामिल होने के बाद उनका नाम यानी कि चर्चित में आया है। पहले उनका नाम चर्चित में नहीं था, उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि जरा मतों का इस बार अगर सरकार बनाने का लोग सोचते हैं, जरा मतों का अगर सरकार बनाने के लिए अगर सोच रहे लोग तो निश्चित ही दयावंती मुंडा को भी विधायक बनाया जा सकता है, अन्यथा ऐसे खास कुछ है नहीं है। और इस प्रकार से इस बार जयराम मातो ने अपना निर्णय लिया है, लड़ाई लड़े हैं जयराम मातो जी, उसी प्रकार उसी के बदौलत अगर दयामंती मुंडा अगर आ सकती है तो हम लोग देखते हैं।
तो तमाम चीजों यानी कि पांचों जो ये है, पांचों व्यक्ति हैं, पांचों व्यक्ति में से ही कोई विधायक बनेंगे। आप लोग लिख के रख लीजिएगा, ये पांचों जो है यानी कि राजा पीटर, विकास सिंह, विकास कुमार मुंडा, प्रेम सागर साई मुंडा और राजकुमार मुंडा, उसके बाद दयामंती मुंडा, ये जो पांच है इस पांचों में ही एक विधायक आपको नजर आएगा। ये विश्लेषण आपको क्या लगता है जमीनी स्तर पर, अगर आप जाएंगे तो हम जमीनी स्तर पर हमें जाने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग इस पे विश्लेषण आज का यहीं पर, और हम लोग तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं कि वहां का मुद्दा क्या क्या है। तो मुद्दा पुनः आप लोगों को गिना देते हैं, सड़क वहां यानी कि तमाड़ क्षेत्र में सड़क बड़ी खराब है। दूसरा मुद्दा, वहां पे कॉलेज की परिस्थिति खराब है, जो युवाओं को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। वहां देवड़ी दीरी जो आदिवासियों का है उसको छीना जा रहा था, उस लड़ाई में यानी कि उस लड़ाई में हम लोग देखते हैं कि कौन नेता आया था उसमें। देवड़ी दीरी में एक सभा हुआ था यानी कि देवड़ी दीरी बचाओ सभा में, उस सभा में भी बहुत कोई नेता उपस्थित नहीं थे, एक नेता उपस्थित थे, आप लोग स्वयं जान सकते हैं। और तमाम वहां मोबाइल नेटवर्क भी, आज हम फोन करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, वहां पर भी एक नेटवर्क की जरूरत है। और ये बीर, ये अणकी में जो प्रकरण है उसको बीर बाकी में और एक प्रकरण चाहते हुए के लोग, अगर कोई भी आप लोग ये पांचों में से अगर कोई भी विधायक बनते हैं तो उसको जरूर इस मुद्दे को ध्यान दिया जाए। तो तमाम मुद्दे और चीजों को हम लोग बात किए हैं, तो इस ये चीज को हम लोग ज्यादा विश्लेषण बात नहीं करेंगे, वहां का परसेंटेज नहीं बताएंगे, अगर परसेंटेज भी बताएंगे तो वीडियो बड़ी लंबी होगी। तो इसी के साथ अगर हम लोग सोच रहे हैं कि झारखंड को एक नई दिशा के साथ में देश को आगे बढ़ाने का एक मुहिम जो हम लोग चलाए हैं, उस मुहिम को हम और आप मिलकर चलाएंगे, उसके लिए आप, हम और आप कदम मिलाकर चलेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल का जो है सब्सक्राइब बटन उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्य वीडियो आपके पास आएगा। जमीनी दरअसल यानी कि लोगों का यह रुझान आपको मिलेगा, तमाम चीजों को पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को मिलेगा। इसी के साथ इस तमाड़ का विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए निश्चित इस वीडियो को आप जन जन तक जरूर शेयर करें। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए अंतिम तक आप सभी को धन्यवाद।